ठीक है आप बताइए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहोगे जी 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 जी। सुमति आंटी बेसिकली मेरी मासी की तरह भी है, बुआ की तरह भी है। तो हम लोग लास्ट ईयर एक्चुअली सूला विनयार्ड्स गए थे विद माय पेरेंट्स। तो मेरे मॉम डैड से वो आंटी बहुत कनेक्टेड हो गई थी, तो अब मुझे समझ में आता है उनको बुआ बोलूँ कि मासी बोलूँ। तो सो मेरी आई एम वेरी वेरी क्लोज टू, उनका बर्थडे है तो आई कांट वेट टू सी हर। विद आंटी सुरभि समिति के साथ तो काफ़ी सालों से फ्रेंडशिप है, तो मैं उनके घर जाते ही रहता था हमेशा, वो आंटी से मिलता ही रहता था और हमारी बात होती रहती है हमेशा। अभी मतलब हम इंस्टाग्राम पे तो हमारी काफ़ी बातें होती रहती है, बट दो तीन महीने से मिला नहीं उनसे। तो या आई कांट वेट टू सी हर। ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है। अभी मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे लास्ट मंथ, तो उनको बहुत घुमाया मैंने बॉम्बे, बहुत मज़ा आया। ऑब्वियसली सरप्राइजेस तो होने ही चाहिए लाइफ में, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता। जी हाँ, बहुत चीज़ें आने वाली है। मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तीन गाने रिलीज़ होने वाले, एक वेब सीरीज रिलीज़ होने वाला है, तो बस वही वेट चल रही है। टाइम बहुत लगता है, शूट हम कर देते हैं बट आते आते बहुत टाइम लगता है। रियलिटी शो लेट्स सी, बातें चलती रहती है, कुछ मटेरियलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली गेट टू नो। बिग बॉस में फॉलो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब आप बिग बॉस देखते हो एक बार, आप कर लेते हो जब बिग बॉस, तो आपके दिमाग से बिग बॉस निकलता नहीं है, तो वो मुझे मैं रिलेट कर पाता हूँ कि क्या बिग बॉस खेल रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं। तो वो हमेशा कभी निकल नहीं पाएगा बिग बॉस। मैं अभी 105 दिन था अंदर, 3.5 मंथ्स, तो सो आई कैन रिलेट टू देम। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स एक्चुअली, और अब्दू मेरा फेवरेट था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो सर्जन्स के जाने के बाद कि प्रियंका जीत सकती है शो। प्रियंका लग रही है, और प्रियंका निमृत, प्रियंका और शिव, ये तीन लग रहे हैं मुझे, और शिव और प्रियंका में से कोई एक जीतेगा मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, बहुत बहुत परेशान हो गया था मैं, दोबारा तो नहीं जाना चाहूँगा। कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा मैं उनको बस। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, हर फील्ड में ये सब चीज़ें हैं। एक्टर्स का ज़्यादा बाहर दिखता है क्योंकि लोग फॉलो करते हैं उनको और लोग उनको दे लुक अप टू देम, अदरवाइज आई थिंक हर जगह में ही कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। बट जस्ट कीप लविंग मी द वे यू लव मी, थैंक यू सो मच। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा जैसे आज तक करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर एज़ वेल। सो मॉम मतलब खत्म हो गया ना, उसके आगे कुछ नहीं आता। आई फील नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई मिस माई मॉम। वो गुजरात में रहती है, तो जब मुझे ऐसे बोला कि मम्मी के बर्थडे के लिए, हमने हाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं, अगर मुझे कुछ है काम तो मैं बोलूँगी हाँ चलो मैं देखूँगी ये, क्योंकि पर मॉम का बर्थडे है, हैव टू बी देयर। सो बस इट्स फॉर द मदर्स, दिस मदर्स लव इज द ग्रेटेस्ट। आई थिंक ईशा एक बार के लिए अपना बर्थडे यू नो बोल सकती है, अपने बर्थडे पे काम कर सकती है, लेकिन मॉम के बर्थडे दिस नो चॉइसेस। अपनी मॉम को मिस करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर वो यहाँ पे होती इन दिस सिटी तो वो भी शी वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सुपर गैंग। देखा है
आशिकी हो तुम. थैंक यू फॉर सिंगिंग इट आउट. कैची कैची ट्रैक है ना, है कि नहीं? या मतलब मैंने सुना वो इंस्टाग्राम पे, मैं रील्स देख रहा था, एक तो ट्रेंडिंग कर रहा है तो इट्स देयर ओनली ऑल द टाइम. और फिर मैं गाड़ी में बैठा, मैं जिम में गया, फिर मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है. मैं गया यार, यहाँ मैं बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ और रोमांटिक गाना चल रहा है. माय ग्लैड कि इधर बज रहा है गाना. सरप्राइजेस तो ऐसे ही नहीं खुलते ना इसके लिए, जैसे यू विल हैव टू वेट. सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? नहीं, होपफुली समथिंग रियली रियली सून, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो आई थिंक आगे भी कुछ अच्छा ही होगा. एंड फॉर हिम इज़ वेल, आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग, बट बहुत जल्द पता चलेगा बिकॉज हमको भी अभी तक एकदम श्योर नहीं पता है. इस साल तो सबसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, मतलब पहले मैं देखती थी, पर इस साल का सबसे एकदम वैसा वाला खराब रिकॉर्ड है मेरा देखने में. मैं नहीं देख पाई हूँ. मेरे पास तो फिर भी एक्सक्यूज था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं नो एक महीने पहाड़ों में था. मैं भी ट्रैवल कर रही थी. हाँ, देखा था ऋषिकेश. बट द थिंग इज दैट नहीं हो पाया है फॉलो. अभी आई वॉज टेलिंग देम दैट अब्दू वॉज वेरी क्यूट, बट नाउ इज आउट ऑफ द हाउस. अब किसके लिए ऐसे चीयर करूँ पता नहीं. एक्चुअली वी आर रूटिंग फॉर हिम. यस. आप लोग बताओ, गिव मी सम हिंट्स, हु इज लाइक टॉप थ्री. शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग. टॉप थ्री नहीं, लेकिन हम लोग तो वो टॉप वन ही ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन द क्यूटेस्ट क्लिप्स तो वो उसी की देखी थी, अब की देखी हमने. हां, तो अब आई थिंक ही इज आउट ऑफ द हाउस. सो नाउ हमको नया, हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. अगर डिमांड होगा तो आपकी तरफ से होगा कि अब्दू को वापस आना चाहिए और टॉप. यस, क्यूटनेस एलिमेंट, क्यूटनेस शुड ऑलवेज प्रिवेल. यस, बाकी वी डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट सी इट, तो मुझे पता नहीं. मे बी समबडी इज प्लेइंग एक्सीलेंटली, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है. एंड इफ दैट इज हैपनिंग देन ऑल द बेस्ट टू देम. शादी, अगर आपको अगर कोई रियलिटी शो करने का मौका मिलता है तो किस तरीके का शो आप करना चाहते हैं? चलो दिखला जा. आई लव डांसिंग, सो आई विल ऑलवेज बी अप फॉर डांस रियलिटी शो. बाकी कुछ मुझसे ना होगा. 103 बुखार में इनको म्यूजिक सुना दो तो भी ये डांस कर लेंगे. But I want to do something which is like a Khatron ke Khiladi adventure type. Yeah, then I want to do comedy related, comic style. Good. Good. Very good. I am all up for it. हाल ही में मैंने तो आई हैव स्पोकन अबाउट इट सॉन्ग लॉन्च पे. इट इज़ एज आई सेड, तभी भी मैंने बोला था कि ऐसी सब चीज़ों के बारे में बात करना ही इतना मुश्किल हो जाता है. सो आई कांट इमेजिन पीपल क्लोज टू समबडी हु इज़ गॉन थ्रू दिस, हाउ मच वुड दे बी सफरिंग. इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, यू नो, किसी ने इतना स्ट्रगल किया है एंड देन दिस इज समथिंग दैट हैपेंस. तो आवर सिंसियरेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली. And people get influenced, people talk, I mean, we have this power that people listen. Yeah. And kahin na kahin kuch fark pad jata hai hamare kehne se. Toh main ye kehna chahungi that please guys, always and always speak up. Koi bhi problem ho, aisa nahi ho sakta ki wo problem solve nahi ho payegi. So you should always have somebody jiske saath aap baat kar pao aur us problem ko solve kar pao. और लाइफ
देना भगवान के हाथ में है, लेना उनके हाथ में है, तो हम इसमें अपना कुछ नहीं करें तो ही सही रास्ता है वो। शेयर करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू नो देर इज़ सो मच दैट गोज इन टुडेज वर्ल्ड। डिजिटल हो गया, आपको डिजिटल मीडिया में चीज़ें हो रही हैं, आपके असली लाइफ में कुछ हो रही हैं, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट, यू ऑलवेज यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी वर्क कॉलीग्स, टॉक टू देम, द मोर यू टॉक द मोर यू गेट टू नो द मोर फ्री यू आर। सबके यहाँ अपने अपने गम हैं, पर ठीक है, ज़िंदगी जीने जीने का ही तो नाम है, क्योंकि we should share. And I think sharing is definitely a thing, but more than anything accepting. कभी कभी हम accept ही नहीं कर पाते कि हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है, तो we should accept it, we should first have an inner conversation, that's what I feel, and then accept it and then go out and talk to somebody. अगर आपको ज़रूरत लगती है तो बात करें, खुद से भी करें और accept करें और दूसरों से भी करें। Thank you for loving Anugun and us and बहुत ही जल्द मुलाकात होगी वापस से, hopefully super soon. Thank you so much. चलो क्या हाल है भैया, विजुअल्स करते हैं, विजुअल्स पहले भाई करना पहले, ओके 12 बजे के बाद केक। कल सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सुपर मॉम का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल All our best wishes to her and उनके पास super daughters हैं, twins, super twins हैं, so of course वो उन्हें super mom बनाते हैं, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ अपने जन्मदिन पर। और आज शायद चिंकी मिंकी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं बिकॉज वो नहीं कर पाए थे, so all my love to them. I think same, मैं उनको दिल से विश करना चाहूँगा कि आज उनका बर्थडे है और इस जन्मदिन की उनकी ढेर सारी मुबारकबाद, और जो सुपर मॉम वो बनी है इट्स बिकॉज ऑफ सुपर ट्विन्स, जो उनकी दोनों डॉटर्स हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, एंड आज उन्होंने पूरा ये यू नो अरेंज किया है, अपनी मम्मी को सरप्राइज किया है और अपना ही बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रही है अपनी मम्मी के साथ। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मम्मी मम्मी को बर्थडे विश करेगी, बाकी तो बच्चों ने बोल ही दिया, हैप्पी बर्थडे सुनती जी। अभिषेक के लिए क्या कहना चाहोगे? हमने प्रोमो अली बाबा आने वाला है पता है ना? आप लोग पूछ रहे थे अभी, आप लोगों की दुआ की वजह से हो भी गया है, बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ उसे ढेर सारा प्यार दीजिए और मदद कीजिए ताकि हम शो को और बड़ा और बेहतर और बहुत 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 बड़ा बना सकें। कितने कमेंट्स अब तक आपने पढ़े आपके सभी फैंस? अभी तो फिलहाल कंटिन्यूसली शूट चल रहा था, बट ऑफकोर्स अभी बैठ के पढ़ूंगा। एंड जितनी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सब बहुत तारीफ कर रहे हैं और सब बहुत खुश हैं, बस मैं भी चाहूँगा कि आप सब की बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि आप सब मेरे ढेर सारी यू नो ब्लेसिंग्स दें, ये सपोर्ट दें। पर मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग ने कमेंट्स पढ़े तो कैसा लग रहा है, अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं? अच्छे हैं, थैंक यू थैंक यू, लोगों का प्यार, आप लोग का सपोर्ट देने वाले हो सभी फैंस को थोड़ा बहुत हिंट। सरप्राइजेस तो भी आपको पता है मेरे जो आने वाले हैं, बट अब जब आएगा वैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा, तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, बट यस बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, धीमे धीमे आएंगे। आते रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं? बिग बॉस कोई फॉलो अभी उतना हम लोग फॉलो नहीं कर पाते बिग बॉस, जब मैं खुद आऊंगी बिग बॉस में तब फॉलो करूंगी। हमें चलना चाहिए। अगर कोई रियलिटी शो करने का अगर मौका मिलता है अभिषेक या सिद्धार्थ को? अभिषेक से करवाऊंगी। करेंगे से क्यों करवाऊंगी, प्लीज बताइए। अभी तो नहीं है कोई लाइनअप, बट आएगा तो मैं अभिषेक से करवाऊंगी।
क्यों मेरे से क्यों नहीं करवाई है? अभी तुम रेस्ट करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड भगवान कह रहे उनकी आने वाली जिंदगी बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छी हो, उनकी सुखद जिंदगी के लिए हम सब कामना करते हैं भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। विजुअल कर देना, चाप ला भाई, इधर विजुअल कर दे। किशन भाई, अरे किशन भाई, विजुअल किशन, किशन विजुअल, देखो पीछे यहां पे देखिए, सब लोग यहां पे, यहां पे सब लोग इधर यहां पे। वेट वेट वेट, क्या